नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। एक मिनट में जानिए पूरी खबर। यूपीएससी एग्जाम पास करके चुने गए भावी आईएएस और आईपीएस ने गरुड़ेश्वर में स्वच्छ भारत अभियान में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर केवड़िया आएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले अफसरों से मुलाकात भी करेंगे। इस सिलसिले में भावी अधिकारी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में रोशनी पाठशाला के प्राध्यापक, बच्चे और मामलतदार कचहरी का स्टाफ उपस्थित था। गरुड़ेश्वर ग्राम पंचायत के सरपंच और स्थानीय लोग भी मौजूद थे। सफाई अभियान के अंतर्गत गरुड़ेश्वर में मेन बाजार से लेकर पुलिस स्टेशन होते हुए गरुड़ेश्वर पाठशाला तक साफ सफाई की गई। इस भूमि पर जिसने बापूजी सरदार जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जी का जहाँ पे जन्म हुआ ये हमारा कर्तव्य है, धर्म है और कर्म है कि इस भूमि को हम निर्मल पावन और नवीन बनाएं। इस मकसद से हम लोग एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाते हैं। जय हिंद जय भारत। ये हमारा स्वच्छता कार्यक्रम जो था, स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, इस संकल्प के साथ कि 150वीं जब हम वर्षगांठ मना रहे होंगे अपने बापू जी का, तो हमें स्वच्छ भारत और निर्मल भारत की जो कल्पना की थी उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारे ये गरुड़ेश्वर तहसील में जो गरुड़ेश्वर ग्राम है यहाँ पे सभी का सहयोग मिला। यहाँ पे हमारे सरपंच जी बाबू भाई, यहाँ हमारे शिक्षकगण, यहाँ प्रधानाध्यापक दिग्विजय सिंह और अनेक ऐसे जितने भी छात्र वगैरह हैं, इन सब ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। और हमने यहाँ पे करीब मेन स्टेशन से शुरू होकर यहाँ तक का पूरा सफ़र तय किया। यहाँ पे जो भी हमें गंदगी लगी उसको साफ किया और हमने अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने में एक छोटा सा योगदान दिया है। हम सभी यहाँ प्रशिक्षु अधिकारी जो लवासना एकेडमी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आए हैं। मैं मयंक चौधरी, आप स्नेहल, आप अनुराग, आप श्वेता और आप वैभव और हमारे एक मित्र और हैं अर्जुन गौड़ा। हम सब ने मिलकर यहाँ पर उसको स्वच्छता को करने का काम किया और हम सभी इतने उसको अभिभूत हैं और आप सबसे निवेदन करते हैं कि इस संकल्प को यूं ही निरंतर करते रहना है और स्वच्छ भारत का सपना जो कि गांधी जी का भी सपना था उसको पूर्ण रूप से कंप्लीट और संकल्प करना है।